विल्मा रुडोल्फ का जन्म अमेरिका के टेनेसी प्रांत के एक गरीब घर में हुआ था। 4 साल की उम्र में विल्मा रुडोल्फ को पोलियो हो गया और वे विकलांग हो गए। विल्मा रुडोल्फ कैलिपर्स के सहारे चला करती थी। डॉक्टरों ने हार मान ली और कह दिया कि वह कभी भी जमीन पर नहीं चल पाएंगी। विल्मा की माँ एक सकारात्मक मनोवृत्ति की महिला थी और उन्होंने विल्मा को प्रेरित किया और कहा कि तुम कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। विल्मा ने अपनी माँ से कहा, क्या मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? माँ ने विल्मा से कहा कि ईश्वर पर विश्वास, मेहनत और लगन से तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकती हो। 9 साल की उम्र में उसने जिद करके अपने ब्रेस निकलवा दिए और चलना प्रारंभ किया। कैलिपर्स उतार देने के बाद चलने के प्रयास में वह कई बार चोटिल हुई, कई बार दर्द सहा, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करती गई। आखिर में जीत उसी की हुई और 1-2 वर्ष के बाद वह बिना किसी सहारे में चलने के लिए कामयाब हो गई। उसने 13 वर्ष की उम्र में अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे अंतिम स्थान पर आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती गई। कई बार हारने के बावजूद वह पीछे नहीं हटी और कोशिश करती चली गई और आखिरकार एक ऐसा दिन भी आया जब उसने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। 15 साल की अवस्था में विल्मा का सामना एक ऐसी धाविका से हुआ जिसे अभी तक कोई भी हरा नहीं सका था। ओलंपिक की पहली रेस 100 मीटर की विल्मा ने उसी धाविका को हराकर जीती, दूसरी रेस फिर से उसी धाविका को हराकर जीती और तीसरी रेस में जब विल्मा का उसी धाविका के साथ 400 मीटर की रिले रेस में सामना था और जब विल्मा की दौड़ने की बारी आई तो उसके हाथ से बैटन छूट गई। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और तेजी से दौड़ी तथा उसी धाविका जिसका नाम जुता था उसे तीसरी बार हराया और अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। विल्मा रुडोल्फ एक ऐसी विकलांग महिला जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह कभी नहीं चल पाएगी, विश्व की एक सबसे तेज धाविका बन गई और यह साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ भी नहीं। जैसा कि पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो और बलवंत हो। परमेश्वर भी यही चाहते हैं कि हम कभी हार ना माने और हमेशा पूरी इच्छा शक्ति और पूरी दृढ़ता के साथ हर चीज का सामना करें। क्या आप ऐसा करेंगे?